बलून जैसे फूले फूले भटूरे और इसी के साथ बिना प्याज लहसुन के काले वाले स्वादिष्ट छोले बनाएंगे। छोले भटूरे तो मुझे लगता है सभी को बहुत पसंद होते हैं। इन दोनों को आज हम थोड़ा सा अलग ढंग से बनाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगाएंगे। तो 2 कप परात में छनी हुई मैदा ले ली है हमने। आप 1 कप मैदा 1 कप आटा ले सकते हैं या पूरा आटा से भी भटूरे बना सकते हैं। इसी के साथ मैदा में हम डालेंगे 1/4 कप महीन वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी के जार में डालकर उसको महीन पीस लीजिए। इससे भटूरे सिकने के बाद बिल्कुल मुलायम नहीं पड़ते हैं, बहुत करारे बनते हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद डालना है 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी, इससे भटूरे का कलर काफी अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच नमक भी इसमें डालेंगे। फिर सब चीजों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें नाप कर लेंगे तो आपके भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम ले रहे हैं ये 1/2 कप दही, ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। सारा दही मैदा में डालकर इससे हम मैदा को गूंथ लेंगे। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं दही को। पहले तो दही से ही मैदा को गूंथेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इसमें हमें पानी की जरूरत लग रही है तो थोड़ा सा हम पानी लेंगे इसमें। ये हमने 1/4 कप से थोड़ा सा कम ही पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम मीडियम सख्त डो तैयार कर लेंगे। इसका हमने डो तैयार कर लिया है। ये मीडियम सख्त डो है, बिल्कुल गीला नहीं है और ना ही बिल्कुल सख्त है। ये देखिए, इस तरह से हमने डो को रखा है और हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही पानी को यूज किया है। बचे हुए पानी को अलग रखकर मैदे वाले डो पर 1 छोटी चम्मच तेल को डालेंगे और फिर इसे पटक पटक कर मस लेंगे। इस तरह से आपको 1 मिनट के लिए करना है। इससे क्या होगा कि भटूरे फूले फूले और अच्छे बनते हैं, मैदा भी सॉफ्ट हो जाती है इस तरह से। अब ये देखिए मैदा कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से मसलते हुए हमने इसको पटक पटक कर सॉफ्ट कर लिया है। इस मैदा के डो को किसी बड़े बोल में क्लिंग रैप से कवर करके या प्लेट से ढककर गर्म जगह पर रख दे 3-4 घंटे के लिए। धूप में भी आप इसे रख सकते हैं जिससे जल्दी मैदा फूल जाएगी। हमने मैदा को कैस्ट्रॉल में रखा है। ये मैंने 1/2 कप सफेद चनों को रात में पानी में भिगो दिया था और ये देखिए अब अच्छे से ये फूल चुके हैं। इनको 3-4 बार साफ पानी से धोकर सारा पानी निकालने के बाद कुकर में डालेंगे। चनों को कुकर में डालने के बाद 2 गिलास इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि पानी जो है चनों से थोड़ा सा ऊपर ही रहे। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे तेज पत्ते इसमें डाल देंगे। 4 से 5 सूखे आंवले के टुकड़े डाल रहे हैं, इससे जो है छोले का रंग काला हो जाएगा। चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें, जिससे चने अच्छे से सॉफ्ट हो सकेंगे। आप आंवले की जगह किसी छोटे से कपड़े में 1/2 छोटी चम्मच चाय की पत्ती बांधकर कुकर में डाल सकते हैं। आप कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 सीटी आने देंगे। छोले उबल गए थे इसलिए मैंने इनको बोल में निकाल लिया है। ये देखिए काफी अच्छे से उबल कर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें जो तेज पत्ता और आंवले के टुकड़े डाले थे उनको निकाल देंगे। जिस काम से डाला था चनों के साथ वो काम हो गया है। तेज पत्ते ने भी अपना फ्लेवर इसमें छोड़ दिया है। आंवले के टुकड़े बड़े आराम से निकल आते हैं, ये देखिए। मिक्सी के जार में 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए टमाटर, 2 छोटे टुकड़े अदरक के और 2 हरी मिर्च को इसमें डाल देंगे। जार को कवर करके अब इसको हम पीस लेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। टमाटर पीस कर 1 बोल में निकाल लिए हैं। इन छोलों को हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, इसलिए हमने कढ़ाई में डाल लिया है 2 टेबल स्पून तेल। तेल के गर्म हो जाने पर 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाला है। खड़े मसालों में 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का कढ़ाई में डालकर 1 मिनट के लिए चला लेंगे। इन छोलों को हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। ये खड़े मसाले देखिए भुन चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और मिला लेंगे इसे। 1/2 छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। चला लेंगे इसको। बिना प्याज लहसुन के इस छोले की सब्जी को आप नवरात्रि के दिनों में या फिर किसी त्योहार पर भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। अब कढ़ाई में हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। टमाटर को इन मसालों के साथ मिला लेंगे। टमाटर का भी पकना बहुत जरूरी होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर इन मसालों को अच्छे से पकाएंगे तो सब्जी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हमने 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को डाल दिया है। कसूरी मेथी का फ्लेवर काफी अच्छा आता है और ये टमाटर देखिए बहुत बढ़िया से पक चुके हैं। अब इस कढ़ाई में हम डाल देंगे उबले हुए छोलों को। छोलों को भी टमाटर और मसालों के साथ मिला लेते हैं। अगर आप इन छोलों को चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पानी डालिए। हम इनको भटूरों के साथ बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सिर्फ 1/2 कप ही पानी डालेंगे। भटूरों के साथ थोड़ी सी टाढ़ी ही सब्जी अच्छी लगती है। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक इसमें हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए हिसाब से नमक डालना है। एक बार फिर से इसे चलाएंगे और ढककर 15 से 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बनने देंगे इसको। अब छोलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला।
मिला लेंगे इसको। अगर आप सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप थोड़े से इस तरह से दबाकर चम्मच से दोनों को फोड़ लीजिए, इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई है इसलिए तुरंत ही इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ये और काली हो जाएगी। इस सब्जी का एक बार और तड़का लगाएंगे, इसलिए तड़का पैन में 1.5 टेबल स्पून तेल को लेकर इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधा छोटी चम्मच जीरा डालने के बाद बीच में से कटी हुई हरी मिर्च और अदरक के टुकड़ों को डालकर चलाकर तड़का तैयार करेंगे और छोलों में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको चलाने के बाद ये तैयार हो जाएगी हमारी छोले की सब्जी। अब हम भटूरे की मैदा को चेक कर लेते हैं। ये मैदे का जो डो है पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, इसी वजह से हमने मैदे का डो पहले टाइट रखा था। इस मैदा को आधा से 1 मिनट के लिए फिर से मसल मसल कर पटक कर इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। भटूरे का साइज आप जैसा छोटा बड़ा रखना चाहें उस हिसाब से लोइयों का साइज रखिए। लोइयां तोड़ने के बाद इसकी लोइयों को कवर करके रखें, फिर एक लोई को लेकर इसको घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। हल्की सी इस पर मैदा लगाकर इसको बेल लेना है। अगर आपको ओवल शेप पसंद है तो इसे ओवल शेप में बेलिए, नहीं तो आप गोल भी बेल सकते हैं इसको। एक ही बार हमने सूखी मैदा लगाई है, ये देखिए पूरा भटूरा बेल गया है। अगर आप बिना सूखी मैदा लगाए बेल सकते हैं तो वैसे बेल लीजिए। अब इसको सेक लेते हैं। तेल गर्म है, इस भटूरे को इस कढ़ाई में डालेंगे और दबाते हुए इसको फुला लेते हैं। अगर तेल ठंडा हुआ तो ये भटूरे फूलेंगे नहीं। ये देखिए कितना अच्छा सा भटूरा फूला है, इसको पलट लेंगे, कलर देख सकते हैं इस पर। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सेक कर इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से एक एक करके सारे भटूरे सेक लीजिए। सूजी की वजह से ये भटूरे जल्दी नरम नहीं पड़ते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया भटूरा तैयार हुआ है। इसी तरह से आप भी घर पर छोले और भटूरों को बनाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी है, सबको बहुत पसंद आएंगे। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।